उनका बचपन। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय छोटे बच्चे थे और पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन उनके अध्यापक ने कक्षा के बच्चों को गणित के 5 प्रश्न हल करने को दिए। बालक गोपाल को उनमें से एक प्रश्न नहीं आता था। उसने एक दूसरे बच्चे की सहायता से उस प्रश्न को हल कर दिया। अध्यापक महोदय यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि बालक गोपाल के सभी प्रश्न सही थे। उन्होंने गोपाल की बहुत प्रशंसा की। किंतु तभी गोपाल उठकर खड़ा हो गया और रोने लगा। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न नहीं आता था। मैंने उसे दूसरे सहपाठी की मदद से हल किया है। आप मेरी झूठी प्रशंसा न करें। मुझे भी सब प्रश्न नहीं आते थे। अध्यापक महोदय चकित रह गए। छोटा सा बालक, इतना सच्चा, इतना ईमानदार। वे प्यार से गोपाल के सिर पर हाथ फेरने लगे। भगवान करे तुम जीवन में एक महान व्यक्ति बनो। अध्यापक के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से बालक गोपाल बड़े होकर वास्तव में एक महान नेता बने और खूब नाम कमाया। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।